जनतंत्र, प्रजातंत्र, लोकशाही यानी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या मतलब है इसका, डेमोक्रेसी शुरू कहां से हुई? भारत में लोकतंत्र सदियों से स्थापित है। भारत के इतिहास पर नजर डालें तो लोकतंत्र की जड़ें हजारों साल पहले पूर्व वैदिक काल तक जाती नजर आती हैं। हमारी संसद की तरह ही प्राचीन वैदिक काल में परिषद हुआ करती थी। परिषद ही गणराज्य या संघ की नीतियों का संचालन करती थी। वैदिक काल का सबसे प्रसिद्ध गणराज्य लिच्छवी गंगा के उत्तरी क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी का नाम था वैशाली। प्राचीन भारत में और भी कई गणराज्य थे, जैसे शाक्य, उम्पष्ट, अग्रेय और यौधेय आदि। वर्तमान संसदीय सत्र की तरह परिषदों के अधिवेशन भी नियमित रूप से होते थे। लोकतंत्र भारत की युगों पुरानी संस्कृति की एक महान विरासत है और हमारा संविधान हमारे लोकतंत्र और हमारे देश की संप्रभुता का एक महान उद्घोष है। हम सबके परिवारों में खुशहाली लाने के साथ देश को विकास के शिखर पर ले जा रहा है हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र।